नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं रेंसु बजाज, देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। WFI अध्यक्ष ने कहा, मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी। यौन शोषण के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी। मेरा समर्थन में भी कई खिलाड़ी हैं जो शाम 4 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। 3 दिन से बृजभूषण शरण के इस्तीफे के मांग कर रहे महिला और पुरुष पहलवानों ने भारतीय ओलंपिक संघ में यौन शोषण की शिकायत की है। खेल मंत्रालय ने लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी इन पहलवानों से बातचीत की। गुरुवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की पहलवानों के साथ 4 घंटे बैठक चली। अनुराग ठाकुर अभी बृजभूषण के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच WFI ने कहा है कि सीनियर नेशनल ओपन टूर्नामेंट में अपने समय 21 से 23 जनवरी के बीच गोंडा में होगा और सभी पहलवान इसमें पहुंचे। इससे पहले गुरुवार को खेल मंत्रालय ने पीड़ित खिलाड़ियों को बुलाकर करीब 1 घंटे तक बातचीत की थी। बातचीत से पहले संतुष्ट नहीं हुए तो उनकी मांग पहले WFI के अध्यक्ष को हटाने की थी। अब वो कुश्ती संघ को भंग कराना चाहते हैं। मोरबी ब्रिज हादसे पर मोरबी नगर पालिका को नोटिस। गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे में गुजरात सरकार ने मोरबी नगर पालिका को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि अपने कर्तव्य को निर्वहन करने पर विफल रहने पर क्यों ना इसे भंग कर दिया जाए। इसे लेकर राज्य शहरी विकास विभाग द्वारा बुधवार को जारी इस नोटिस में 25 जनवरी तक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बना झूला पुल पिछले साल 30 अक्टूबर को गिर गया, जिसमें 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 40 बच्चे भी थे शामिल थे। मोरबी नगर पालिका के साथ एक समझौते के तहत ओरवे ग्रुप द्वारा इस ब्रिज का संचालन किया जा रहा है। आम लोगों के लिए खोले जाने के महज 5 दिन बाद ये ब्रिज टूट गया। पुल पर मौजूद करीब 500 लोग नदी में जा गिरे, जिसमें 135 की अब तक मौत हो चुकी। मृतकों में महिलाएं 30 से ज्यादा बच्चे शामिल। ब्रिज के केवल जाली थामे रहे 200 लोगों को बचा लिया गया। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री को बताया शैतान। कर्नाटक विधान परिषद में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी पार्टी के नेताओं को मुसलमानों को विश्वास में लेने के लिए कहना शैतान के धर्म ग्रंथों का उपदेश देना जैसा है। चुनाव के दौरान वे इस तरह एक नौटंकी करना चाहते, लेकिन लोग इस पर स्वीकार करने के तैयार नहीं। दरअसल 16-17 जनवरी को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुस्लिम समुदाय का बोहरा पसमानदा और पढ़े लिखे लोगों तक हमें सरकार को नीतियां लेकर जानी है। हमें समाज के सभी अंगों से जुड़ना है और उन्हें अपने साथ जोड़ना है। इसमें करीब 6 महीने पहले 3 जुलाई 2022 को हैदराबाद में आयोजित बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। पीएम मोदी पसमानदा मुस्लिम के लिए स्नेह यात्रा की घोषणा की। इस यात्रा का मकसद पसमानदा मुस्लिमों के घर घर पहुंचकर बीजेपी से जोड़ने का पहल करना, छोटे दलों की मदद में बीजेपी कैसे पसमानदा मुस्लिमों को साधना चाहते, इस बात को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से समझा जा सकता। 2010 में नीतीश कुमार ने नेतृत्व वाली NDA सरकार बिहार में 2/3 के अधिक बहुमत के साथ बनी थी। नीतीश कुमार के सुशासन और माफिया को खत्म कर कानून व्यवस्था को मजबूत करने के चुनावी नारे उन कई कारणों में से एक थे, जिनकी वजह से उनकी जीत हुई। पंजाब में बुजुर्ग के 5 करोड़ की लॉटरी लगी। पंजाब के डेरा बस्सी के नजदीक गांव त्रिपति कैंप के 88 साल के महंत द्वारका दास के 5 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है। लोहड़ी बम्पर का पहला इनाम उन्हें मिला है। लॉटरी निकलने की जानकारी मिलने के बाद ही परिवार में खुशी का माहौल है, लड्डू बांटे जा रहे। बुजुर्ग ने अपने पोते को पैसे देकर जीत कर पूर्व लोहड़ी बम्पर का टिकट खरीदवाया था। बुजुर्ग द्वारका दास ने बताया कि बीते 40 सालों में हर महीने टिकट खरीदते हुए अपनी टिकट की जीती हुई राशि के दोनों बेटे मुकेश और नरेंद्र के अलावा अपने मंदिर पर भी खर्च करना चाहते। महंत ने बताया कि वे कुछ दिन पहले अस्पताल में छुट्टी लेकर आए थे। पैसा आने जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी जिंदगी उन्होंने मंदिर की सेवा की है और इसी का फल उन्हें मिला। लॉटरी विक्रेता लोकेश कुमार ने बताया कि पंचकुला रोड पर लकी लॉटरी के नाम पर उसका स्टोर है।
महंत द्वारदास का पोता निखिल शर्मा तकरीबन एक सप्ताह पहले उनके पास आया था। उन्होंने कहा था कि दादा ने ये नंबर दिया, आखिर इन नंबरों का टिकट उन्हें दे दो। लोहरी बंपर में उन्होंने 500 रुपए का टिकट निखिल को दे दिया था। जोशीमठ में भारी बर्फबारी, मकानों गिराने का काम रुका। पिछले कई दिनों से भू धंसाव के खतरे से जूझ रहे जोशीमठ में शुक्रवार सुबह सीजन की पहली बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी में जोशीमठ के बाशिंदों की दहशत बढ़ा दी गई। बर्फबारी के चलते खतरनाक घरों को गिराने का काम शुक्रवार को रोक दिया गया। मौसम विभाग ने 23 से 24 जनवरी को भी जोशीमठ, चमोली, पिथौरागढ़ बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई। उधर राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान NIH की प्राइमरी टेस्ट रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तराखंड में भू धंसाव से प्रभावित जोशीमठ की JP कॉलोनी की दरारों से निकलने वाले पानी तंपोवन की NTPC की सुरंग के पानी से अलग है। बारिश और बर्फबारी के चलते होटल और खतरनाक घरों को गिराने का काम रोक दिया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा के मुताबिक पिछले 3 दिनों में दरार की कई बढ़ोतरी नहीं हुई। हाल की JP कॉलोनी के पास एक भूमिगत चैनल है। पानी का डिस्चार्ज फिर से बढ़कर 150 लीटर प्रति मिनट हो गया। 839 घरों में दरार रिकॉर्ड हुई, जबकि 260 प्रभावित परिवारों को अस्थायी राहत केंद्रों में भेज दिया गया है। राम रहीम की पैरोल से पहले नया विवाद। हरियाणा के रोहतक की सुनहरे जेल में बंद राम रहीम की पैरोल से पहले डेरा सच्चा सौदा के सामने नई मुश्किलें आ गई। सिरसा के 5 गांवों के ग्रामीणों ने जमीन को लेकर डेरे के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। नेसिया शाहपुर, बेगू, अरिनी, वालिया, बाजेका, अली मोहम्मद के ग्रामीणों का डेरा ने अपना अलग गाँव सतनामपुरा बसाया। पहले इसके अंदर 1500 एकड़ जमीन का रकबा शामिल किया गया। कुछ समय पहले 200 एकड़ और करवा लिया। सासंत नामपुरा डेरा का गांव है। इसे डेरा अपने गांव में केवल डेरे की भूमि को रकबे में शामिल करे। डेरे की 700 एकड़ जमीन भी शामिल की गई, जिस कारण हर एकड़ के पिछले एक कनाल जमीन सासंत नामपुरा गांव के रकबे में आ गई है। ग्रामीणों की मांग की सासंत नामपुरा केवल डेरे की जमीन से जुड़ी जाए। ग्रामीणों के धरने के बाद पुलिस एक्टिव हो गई और धरना स्थल पर पहुंची। मैनेजमेंट ने भी ग्रामीणों को बातचीत की। ये बुलाया कमेटी सदस्य दिलीप साई ने बताया है कि हमारी डेरा मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई। उन्होंने कल तक का समय मांगा है और आश्वासन दिया है कि सतनामपुरा हम केवल डेरे की जमीन शामिल करेंगे। दिलीप साई ने बताया कि डेरा मैनेजमेंट को हमने कल तक का समय दिया है, उसके बाद हम अपना धरना मंदिर के बाहर सड़क पर रखेंगे। राहुल जम्मू कश्मीर पहुंचे थोड़ी देर में रेनकोट भी पहना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहली बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रेनकोट पहने नजर आए। दरअसल जब यात्रा शुक्रवार सुबह अंतिम पड़ाव पर जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंची तब वहां बारिश हो रही थी। कुछ घंटे बाद जब बारिश बंद हो गई तो उन्होंने रेनकोट उतार दिया। राहुल के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ठंड में टी शर्ट पहनने पर काफी चर्चा हुई। भाजपा नेताओं ने स्रोत तक कराने की बात कही, लेकिन राहुल टी शर्ट में ही नजर आए। जम्मू कश्मीर में दाखिल होने पहले ग्रुप वार शाम राहुल पठानकोट बॉर्डर पर कहा कि मैं जानता हूं कि यहाँ के लोग पीड़ा में हैं। मैं समझता हूं कि हर कोई आहत है, हर इंसान परेशान है, मैं आपका दर्द बांटने आया हूं। इस दौरान राहुल के साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। गाजियाबाद में कारीगर ढाबे में थूककर तंदूरी रोटी सेक रहा था, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के एक होटल से थूककर रोटी बनाने का मामला सामने आया। हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी अनिल चौधरी की शिकायत पर पुलिस ने रोटी बनाने वाले तसीरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। वहां उसके खिलाफ महामारी अधिनियम से मुकदमा दर्ज किया गया। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी भैया ने ये वीडियो अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया। 51 सेकंड के इस वीडियो पर एक शख्स तंदूर के पास खड़ा होकर रोटियां बनाया। तंदूर में रोटी लगाने से पहले वह एक बार झुक जाता। पिंकी भैया का दावा है कि वह शख्स थूक कर रोटी बना रहा है। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि देखो भैया, इनका मानसिकता मदीना होटल बसोंडा पर खाने वाले अधिकतर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया गया है, लेकिन हिंदू भाईचारे को निभाने में लगा है। क्या ये भाईचारे को मानने वाले लोग हैं? आप भी इन निर्णय करो और अब जागो, और फिर कब जागोगे? करोड़ लेकर ऑक्शन में उतरेगी महिला IPL की टीमें। महिला IPL की ज्यादातर चीजें लगभग तय हो चुकी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक महिला IPL टीम को ऑक्शन में खिलाड़ी
खरीदने के लिए 12 करोड़ रुपए का पर्स मिलेगा। हर साल पर्स में 1.5 करोड़ रुपए का इजाफा होगा। 25 जनवरी को 5 टीमों के नाम सामने के बाद ऑक्शन होगा। 5 टीमों के बीच कुल 22 मैच मुंबई डीवाई पाटिल और वेबोर्न स्टेडियम में होगा। वानखेड़े स्टेडियम के ऊपर आईपीएल के लिए तैयार किया जाएगा। वहीं पहली बार होने वाले महिला आईपीएल के चैंपियन को 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। महिला आईपीएल के 5 टीम विदेशी खिलाड़ी खेल सकेंगी। टेस्ट फ्लाइंग देशों में 4 और 1 खिलाड़ी एसोसिएट देश से रखना हो। अगर एसोसिएट देश के खिलाड़ी टीम में नहीं रही तो एक टीम में वहां 4 विदेशी खिलाड़ी खेलेंगी। पुरुष आईपीएल की एक टीम 4 विदेश खिलाड़ी खेल सकेंगे। इनमें एसोसिएट देश के खिलाड़ियों का होना जरूरी नहीं है। गंगूबाई स्टाइल में पुलिस स्टेशन से बाहर आई राखी सावंत ड्रामा क्वीन राखी सावंत को गुरुवार को अम्बोली पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके बाद उनसे कई घंटों तक पूछताछ हुई। ये मामला शालिन चोपड़ा की शिकायत से जुड़ रहा था। उन्होंने राखी सावंत के खिलाफ की थी। वहीं लंबी पूछताछ के बाद अब राखी पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई, जिसका एक वीडियो सामने आया है कि पुलिस स्टेशन बाहर आते ही राखी ने मीडिया के सामने सिर ऊंचा करके गंगूबाई स्टाइल में हाथ जोड़कर नमस्ते किए। इस दौरान राखी हिजाब पहने हुए नजर आए। पुलिस स्टेशन से निकलते ही राखी सावंत अपनी बीमार माँ से मिलने हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर उन्होंने पूरा मामला चुप्पी तोड़ा। मीडिया संग बातचीत में राखी सावंत ने कहा कि माँ की कंडीशन खराब है। माँ के बारे से जानने के बाद राखी का बीपी भी लो हो गया। वीडियो में राखी के चेहरे की उदासी और आवाज का भारीपन उनकी जिंदगी को बड़ा दर्द बयां कर रहा है। हाल की मुश्किल वक्त में राखी के शोहर आदिल खान उनके साथ नजर आए। ई टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार एक सूत्र ने बताया है कि अम्बोली पुलिस ने राखी सावंत को घर जाने की अनुमति दे दी। पुलिस का कहना है कि राखी के साथ वह सहयोग किया और अपना मोबाइल फोन भी जांच के लिए सौंप दिया, इसलिए उन्हें और ज्यादा रखने का कोई ठोस कारण नहीं है। ये थी सुबह की 10 ताजा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।